हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीजीएमएल नर्सिंग का जो सिलेबस है 2021 का, वो अवेलेबल है। तो आपको कैसे देखना है, कौन से वेबसाइट से देखना है, किस तरीके से देखना है, आपको सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है पीजीएमएल नर्सिंग के रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। फर्स्ट स्टेप मतलब सर्च करने का जो है मेथड है वो क्या है कि आपको किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप कर लेना है पीजीएमएल नर्सिंग 2021 आईएएस पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको पीजीएमएल नर्सिंग के रिलेटेड सारे अपडेट मिलते हैं, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सर्च करना था, मैंने यहाँ पर सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसे क्या करना होगा आपको ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे आप ओपन कर लेते हैं, इस पेज पे ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है यहाँ पे एग्जाम डेट सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सबको डिटेल बताया, कैसे क्या करना होता है, हाउ टू अप्लाई। फिर फीस जो है कैटेगरी वाइज डिवाइडेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उससे पहले इस फॉर्म को फिल कीजिए। सामने आपके फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या फिल करना है कि आपका नाम क्या है। पहले तो आपका जो भी नाम होगा वो अपना नाम यहाँ पर टाइप कर लेना, ठीक है। तो आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पर टाइप करने के बाद नेक्स्ट जो है आपका ईमेल आईडी क्या है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर बता देना है। अब यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है कि आपकी करंटली स्टेट कौन सी, उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपको कौन सी सिटी आपकी, सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, उस कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट व डिस्टेंस लर्निंग, BCMC, फैशन डिजाइन, होटल एविएशन, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसको, मेडिसिन, होटल, हॉस्पिटलिटी, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन जो भी उसको सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक कर लीजिए। उससे क्या होगा, सो यही होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे आपके मोबाइल नंबर पर आपके ईमेल आईडी के थ्रू। तो इसमें बताएगा एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं यहाँ से। फिर जो है आपका सिलेबस आता है, सिलेबस आप यहीं से देख सकते हैं, सिंपल है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीएमएल जो है सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जो है आर्क्स पूछे जाएंगे अपने डिफरेंस लेवल्स ऑफ कोर्सेज के लिए। BSc नर्सिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, करेंट अफेयर्स, इंग्लिश एक्सेट्रा, सब्जेक्ट जो है 12th से आपके आएंगे। और जो पोस्ट बेसिक है नर्सिंग, ये सिलेबस यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं उसका जो है नर्सिंग का, मेडिकल जो है सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ सर्विस नर्सिंग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो ये आपको जो है आपके टॉपिक्स बताएंगे, इस टॉपिक के बेस पे आपको स्टडी करनी है आपकी, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये MSc नर्सिंग का जो यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन द टॉपिक फ्रॉम द नर्सिंग रिसर्चेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नर्सिंग फाउंडेशन ऑफ स्ट्रिक्स नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक से बेस पे आपकी स्टडी करनी है, जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करनी होगी। और भी आपको यहाँ पे जानना है आपके कैसे मार्क्स अच्छे लाने हैं, कौन क्या तरीके होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं बच्चे, और यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने के लिए सारे टिप्स को जो है प्रिपेयर करते हैं, तो आप इस टिप्स को पढ़ लेना है। आपको यहाँ टिप्स जो है आपकी लिखी हुई है, ओके। प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो, ठीक। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच।